अस्सलामुअलैकुम। तो हम न्यूरो एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे। इससे पिछले लेक्चर में हमने उसका कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि न्यूरो एनाटॉमी का जो इंट्रोडक्शन है वो हम दो वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। सो पार्ट वन के अंदर हमने न्यूरो एनाटॉमी का कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। सो आज हमने उसका जो इंट्रोडक्शन रह गया है पार्ट सेकेंड हमने आज डिस्कस करना है। बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल ऑफ इंट्रोडक्शन, जो आज का टॉपिक है उसकी डिटेल के अंदर जाने से पहले आपको जो पिछला टॉपिक, पिछला लेक्चर था पार्ट वन, उसका एक क्विक रिव्यू देता हूँ। कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर फर्दर क्लासिफाइड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्लासिफाई होता है सेंसरी एंड मोटर सिस्टम के अंदर। जो सेंसरी सिस्टम है इसकी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है स्पेशल सेंसेशन एंड जनरल सेंसेशन। जनरल सेंसेशन फिर डिवाइड होता है सोमेटिक एंड विजरल सेंसेशंस। इसी तरह मोटर नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइडेड होता है सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर फर्दर क्लासीफाई होता है सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ये सारी जो क्लासिफिकेशन है नर्वस सिस्टम की, ये है उसकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ये कौन सी क्लासिफिकेशन है? उसकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम उसके फंक्शन के हवाले से उसको क्लासिफाई करें। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो एक सेंसरी सिस्टम है और एक मोटर सिस्टम है। क्या मतलब? कि एक कंपोनेंट जो है वो सेंसेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आ रहा है, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे लेके जा रहा है। सो ये उनका फंक्शन है, इसीलिए हमने उस फंक्शन की बुनियाद पे सारी क्लासिफिकेशन की है। इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को हम कहेंगे कि दिस इज़ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। बट बिफोर गोइंग इन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम ऑन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो नर्वस सिस्टम है इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। पहले सेल्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स और दूसरे न्यूरो ग्लायल सेल्स। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, न्यूरॉन्स एंड न्यूरो ग्लायल सेल्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स आर बेसिकली द ट्रू फंक्शनल सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। कि जो ट्रू सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के वो न्यूरॉन्स हैं, और जो न्यूरो ग्लायल सेल्स हैं दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या हैं? दीज आर ट्रू फंक्शनल सेल्स, ट्रू फंक्शनल सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। कि जो नर्वस सिस्टम का फंक्शन है उसको परफॉर्म करने वाले बेसिकली यही सेल्स हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। नर्वस सिस्टम का फंक्शन बेसिक हमने पार्ट वन के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी एंड एनवायरनमेंट, प्रोसेसेस इट एंड डिसाइड्स अ मोटर रिस्पॉन्स। सो बेसिकली इंफॉर्मेशन की कंडक्शन है एक पाथ, एक जगह, एक एरिया से लेकर दूसरे एरिया तक। सो ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, ट्रू फंक्शनल सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ये इंफॉर्मेशन को वन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम से ट्रांसमिट करते हैं अदर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। और ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? ये इंफॉर्मेशन होती है एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। सो बेसिकली न्यूरॉन्स आर द ट्रू फंक्शनल सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम विच कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन एरिया ऑफ नर्वस सिस्टम टू द अदर एरिया ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरोग्लायल सेल्स आर बेसिकली द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स। ये जो ट्रू फंक्शनल सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स, इनको सपोर्ट करने वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स, न्यूरोग्लायल सेल्स।
सो अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि इस न्यूरॉन्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स और उसकी बुनियाद पे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। सो स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके कि नर्वस सिस्टम जो होता है ये मुश्तमिल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर, लेकिन अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो क्लासिफिकेशन है वो फंक्शन की बुनियाद पे नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी स्ट्रक्चर की बुनियाद पे करेंगे। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक है ग्रे मैटर और दूसरा है व्हाइट मैटर। दूसरा क्या है? व्हाइट मैटर। जब आप न्यूरो एनाटॉमी पढ़ते हैं या न्यूरो फिजियोलॉजी पढ़ते हैं या न्यूरो पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो बार बार ये दो टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, एक ग्रे मैटर और एक व्हाइट मैटर। सो इन दोनों टर्म्स का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों टर्म्स जो हैं ये रिलेटेड हैं न्यूरॉन्स के साथ। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम अब न्यूरॉन से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करेंगे, ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर जो है ये न्यूरॉन से रिलेटेड हैं। सो ग्रे मैटर क्या है? कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज इन साइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स इन साइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड वाइट मैटर। लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये जैसे हमें पता है कि न्यूरॉन ही एक सेल बॉडी होती है, मैं एक जनरल बना रहा हूँ, सेल बॉडी होती है और एक लॉन्ग उसका एक्सॉन होता है। अगर किसी जगह पर ये सेल बॉडीज बहुत सारी अकोमोडेट हो जाए, किसी जगह पर ये सेल बॉडीज बहुत सारी अकोमोडेट हो जाए तो इन सेल बॉडीज के कलेक्शन को हम, ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, ये इन सेल बॉडीज के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? ग्रे मैटर। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि ये जो न्यूरॉन है ये एक कोई एनिमल है, तो ये जो सेल बॉडी है ये उस एनिमल का बाकी पार्ट है और ये उसकी टेल है, लार्ज टेल। फॉर एग्जाम्पल चूहा सपोज कर लें कि ये एक रैट है, रैट, तो ये रैट का फेस है जो उसकी सेल बॉडी है और ये उसकी टेल है। तो किसी जगह पर अगर बहुत सारे रैट्स यानी न्यूरॉन्स इकट्ठे हो जाएं तो उनमें जो उनकी सेल बॉडीज की कलेक्शन है उसको हम कहेंगे ग्रे मैटर, और बाकी जो टेल है, ये जो टेल है हर न्यूरॉन की, ये जब मुख्तलिफ काफ़ी सारे न्यूरॉन्स की टेल की जब कलेक्शन हो जाए, जिसको मैं रेड कलर में शो कर रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं वाइट मैटर। के ग्रे मैटर और वाइट मैटर का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, तो एक बार आप दोबारा सुन लें कि न्यूरॉन जो है ये बेसिकली कंसिस्ट करता है एक सेल बॉडी पर और एक उसका लॉन्ग एक्सॉन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर किसी जगह पर अगर बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ की कलेक्शन हो जाए तो उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर किसी जगह पर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं, सेल बॉडीज नहीं एक्सॉन्स हैं, उनकी अगर कलेक्शन हो जाए तो उसे हम कहते हैं वाइट मैटर। लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि चाहे ग्रे मैटर हो या वाइट मैटर हो, ये दोनों की दोनों टर्म्स यूज़ होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर किसी जगह पर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ की कलेक्शन हो जाए तो उसे हम ग्रे मैटर नहीं कहेंगे, और इसी तरह अगर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स की कलेक्शन हो जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर तो उसे हम वाइट मैटर नहीं कहेंगे। सो ग्रे मैटर का कंसेप्ट आ गया और वाइट मैटर का कंसेप्ट आ गया। अब हम आगे चलते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ग्रे मैटर है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, इसकी फर्दर दो डिवीजन्स हैं कि कुछ ग्रे मैटर को हम कहते हैं कॉर्टेक्स और कुछ ग्रे मैटर को कहते हैं हम न्यूक्लियस। जैसा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलर कॉर्टेक्स,
वो ग्रे मैटर ही होता है। और इसी तरह हम मुख्तलिफ न्यूक्लियस न्यूरो एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर। सो व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड द न्यूक्लियस? हैं हालांकि हैं तो दोनों ही ग्रे मैटर, सो इनके दरमियान एक्चुअल डिफरेंस क्या है? सो अगर हम इनके दरमियान एक्चुअल डिफरेंस देखें, लेट मी ड्रॉ दिस इज़ द साइड व्यू ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है और ये साइड व्यू है। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जहाँ भी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ की कलेक्शन होगी उसे हम ग्रे मैटर कहेंगे। अब कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस क्या है? कुछ ग्रे मैटर जो होता है वो सेरिब्रम और सेरिबेलम की सरफेस पर एक्सपोज होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सरफेस पर एक्सपोज होता है। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन जो है इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। अब हाँ, एक बात और भी समझने वाली है कि ग्रे मैटर क्यों कहते हैं और वाइट मैटर को वाइट मैटर क्यों कहते हैं। वाइट मैटर को वाइट मैटर माइलिन शीथ की वजह से कहते हैं, क्योंकि वाइट मैटर जो है वो एग्जॉन्स के बंडल्स को कहते हैं, एग्जॉन्स की कलेक्शन को हम वाइट मैटर कहते हैं, और एग्जॉन्स जो है वो कवर्ड होते हैं माइलिन शीथ से। उस माइलिन शीथ की वजह से उसकी जो अपीयरेंस है वो वाइट होती है, इसलिए हम उसको वाइट मैटर कहते हैं। और ग्रे मैटर को ग्रे मैटर क्यों कहते हैं? ग्रे मैटर में हमने क्या कहा था कि न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ की कलेक्शन हो रही है, सो उन सेल बॉडीज़ के अंदर मौजूद न्यूक्लियस की वजह से उसकी अपीयरेंस जो है वो डार्क होती है, इसलिए हम इसको ग्रे मैटर कहते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ग्रे मैटर की जो हमने डिवीजन की है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस में, उसमें क्या डिफरेंस है। कुछ ग्रे मैटर ऐसा होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सरफेस पर एक्सपोज्ड होता है। फॉर एग्जांपल ये सेरिब्रम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स था, सेरिब्रम था, तो उस सेरिब्रम की सरफेस पर कुछ ग्रे मैटर जो है वो एक्सपोज्ड होता है। इसी वो ग्रे मैटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सरफेस पे एक्सपोज्ड हो उसे हम कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स। फॉर एग्जांपल अगर सेरिब्रम की सरफेस पर वो ग्रे मैटर एक्सपोज्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसी तरह कुछ ग्रे मैटर जो है वो सेरिबेलम की सरफेस पर एक्सपोज्ड होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेरिबेलर कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उस ग्रे मैटर को कहते हैं जो सरफेस पे एक्सपोज्ड हो। अब सेरिब्रम की सरफेस पर एक्सपोज्ड है तो उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और सेरिबेलम की सरफेस पर एक्सपोज्ड है तो उसे सेरिबेलर कॉर्टेक्स कहते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? बल्कि न्यूक्लियस को समझने से पहले एक और बात समझ लें कि ये तो हो गया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मीन्स ग्रे मैटर, ग्रे मैटर मीन्स कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। तो ये सारी की सारी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ की कलेक्शन हो चुकी है। अब इन सेल बॉडीज से हमें पता है कि एग्जॉन्स ने अराइज करना है, सो मुख्तलिफ एग्जॉन्स जो हैं वो इनसे अराइज करेंगे, ये मुख्तलिफ एग्जॉन्स यहाँ से अराइज करेंगे और ये सारे डाउनवर्ड डिसेंड करेंगे, ये सारे के सारे डाउनवर्ड डिसेंड करेंगे। इसी तरह सेरिबेलम
के अंदर जो सेल बॉडीज हैं यहाँ से कुछ फाइबर्स अराइज करेंगे। इसी तरह कुछ जो हैं वो सेंसरी फाइबर हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से यहाँ आ रहे हैं, इसके अंदर ऐसे अपवर्ड रन कर रहे हैं। सो ये सारे के सारे जो बंडल्स हैं ये क्या हैं, ये वाइट मैटर हैं जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर्स अराइज करें और डाउनवर्ड आ रहे हैं, वो भी वाइट मैटर। जो सेरिबेलम से फाइबर अराइज कर रहे हैं वो भी वाइट मैटर, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से यहाँ इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अपवर्ड रन कर रहे हैं वो भी वाइट मैटर। सो जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है वो ग्रे मैटर हो गई, और उनसे जो फाइबर अराइज कर रहे हैं वो बेसिकली वाइट मैटर हैं। अब न्यूक्लियस क्या है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि यहाँ पर ये जो मैं ब्लैक सा बना रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है कि न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज की कलेक्शन हो जाती है, न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज की कलेक्शन हो जाती है। और चूंकि न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज की कलेक्शन को हम ग्रे मैटर कहते हैं, इसलिए ये जो पीस है इसको हम ग्रे मैटर कहेंगे। अब इस ग्रे मैटर को न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब इस ग्रे मैटर को न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, एक तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एम्बेडेड है, जो कॉर्टेक्स था वो सरफेस पे एक्सपोज था, ये वाला ग्रे मैटर चूंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एम्बेडेड है इसीलिए हम इसे न्यूक्लियस भी कहते हैं। और दूसरा कि ये जो सेंट्रल पीस ऑफ ग्रे मैटर है इट इज सराउंडेड बाय वाइट मैटर, के इधर हर तरफ से फाइबर जा रहे हैं, कुछ फाइबर ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं। सो हर डायरेक्शन में फाइबर्स उसके अराउंड हैं, उसको फाइबर्स ने सराउंड किया हुआ है। और फाइबर्स को चूंकि हम वाइट मैटर कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, सो इट मीन्स कि ये जो पीस ऑफ ग्रे मैटर है यहाँ पर, इसको वाइट मैटर ने सराउंड किया हुआ है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वो ग्रे मैटर, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ की कलेक्शन को हम ग्रे मैटर कहते हैं। उस ग्रे मैटर को हमने डिवाइड किया कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस के अंदर। तो कॉर्टेक्स वो ग्रे मैटर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सरफेस पर एक्सपोज हो, जिसे यहाँ मैंने ग्रीन कलर से शो किया है क्योंकि सरफेस पर एक्सपोज है। और जो न्यूक्लियस होता है वो ग्रे मैटर होता जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एम्बेडेड हो और उसको सराउंड किया हुआ हो वाइट मैटर ने। सो ग्रे कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस का कंसेप्ट क्लियर है। अब हम आते हैं वाइट मैटर पर, कि वाइट मैटर क्या होता है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वाइट मैटर जो है ये एक्सॉन्स की कलेक्शन को कहते हैं। अब इसकी हमने क्लासिफिकेशन किस तरह करनी है, कि वाइट मैटर की क्लासिफिकेशन करने के मुख्तलिफ पाथवे हैं। एक पाथवे ये है कि किस डायरेक्शन में, क्योंकि वाइट मैटर फाइबर हैं, तो एक पाथवे ये है कि वो फाइबर किस ओरिएंटेशन में, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की बुनियाद पे हम वाइट मैटर को क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका पाम है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सपोज आपके फुट पर कोई स्क्रैच करता है, कोई यहाँ पर स्क्रैच करता है, तो यहाँ से जो सेंसरी सिस्टम है उसके थ्रू इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो सेंसरी फाइबर जो है वो इंफॉर्मेशन लेके आएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ये सेंसरी फाइबर जो है ये इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक्सॉन है ना, क्योंकि यहाँ से जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आएगा उसकी सेल बॉडी तो यहीं लोकेटेड होगी,
और ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस लेके आ रहा है इसको हम एक्सॉन कहते हैं, या इसको हम वाइट मैटर भी कह सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक्सॉन्स की कलेक्शन को हम वाइट मैटर कहते हैं। सो वो बंडल ऑफ एक्सॉन्स जो कि इस पाँव से, इस पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ बॉडी से सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, इसको हम वाइट मैटर कहेंगे। ये कहाँ जा रहा है कि ये फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव कर रहा है हायर लेवल से। जब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आ जाएगी तो अभी हमें डिसीजन लेना है कि मैंने वहाँ से पाँव हटाना है। सो उसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ से कुछ मोटर फाइबर जो हैं वो अराइज करेंगे, कुछ मोटर फाइबर्स जो हैं वो अराइज करेंगे और वो जाकर क्या करेंगे कि इस फुट को, फुट के मसल को सप्लाई करेंगे और फिर जो आपने अपना डिसीजन बनाया हुआ है वो एक्शन परफॉर्म करवा देंगे। अब ये जो हैं बेसिकली ये सेंसरी एक्सॉन्स हैं और ये वाले मोटर एक्सॉन्स हैं, लेकिन हैं तो एक्सॉन, और एक्सॉन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम क्या कहते हैं, वाइट मैटर। सो वो वाइट मैटर जो के इंफॉर्मेशन पेरिफेरल पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आ रहा है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव कर रहा है, और वो वाइट मैटर जो कि इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल पार्ट तक लेके जा रहा है हायर सेंटर से, वो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो पहली जो ये फाइबर किस डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, या तो अपवर्ड मूव कर रहे हैं कुछ फाइबर, या कुछ फाइबर डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि वाइट मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं मूवमेंट ऑफ फाइबर्स की डायरेक्शन की बुनियाद पे कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो ये वाले फाइबर्स जो हैं कुछ जो हैं वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं और कुछ डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वो वाइट मैटर, वो एक्सॉन्स के बंडल जो अपवर्ड और डाउनवर्ड पोजिशन के अंदर मूव कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रैक्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रैक्स। ये न्यूक्लियस, यहाँ वाइट मैटर जो के अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रैक्स। सो ये फाइबर्स कौन से हैं, ये ट्रैक्स हैं। अब कुछ फाइबर्स, ये कुछ ट्रैक्स जो हैं, कुछ फाइबर या कुछ ट्रैक जो भी कह लें, वो डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव करें यानी वो असेंड हो रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो वो ट्रैक्स कौन से होंगे, असेंडिंग ट्रैक। इसी तरह कुछ ट्रैक्स जो हैं वो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो डिसेंड कर रहे हैं, इसीलिए वो ट्रैक्स कौन से होंगे, डिसेंडिंग ट्रैक्स। तो ट्रैक्स कौन कौन से होते हैं, कुछ असेंडिंग ट्रैक्स हैं जो कि पेरिफेरल पार्ट से सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा रहे हैं, कुछ जो हैं वो डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं जो कि फिर कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन को पेरिफेरल पार्ट्स तक लेके जा रहे हैं। तो इनकी पहली डायरेक्शन, पहला तरीका क्या हो गया, या पहली टाइप कौन सी होगी वाइट मैटर को क्लासीफाई करने की, ट्रैक्स। ट्रैक्स हमने किस बुनियाद पे बनाए हैं कि वो बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड पोजीशन के अंदर मूव करते हैं उनको हम ट्रैक्स कहते हैं, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं उन्हें हम असेंडिंग ट्रैक्स कहते हैं, और जो डाउनवर्ड पोजीशन के अंदर मूव कर रहे होते हैं उन्हें हम डिसेंडिंग ट्रैक्स कहते हैं। इसी तरह कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं वो दो हैं, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो इन एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर से निकल के दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से फाइबर निकलते हैं तो वो लेफ्ट के अंदर जाएंगे, इसी तरह लेफ्ट से निकल के राइट के अंदर आएंगे। तो उनकी मूवमेंट जो है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट वो है राइट टू लेफ्ट। वो क्या कहेंगे कि दो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं उनके मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं। तो वो समझाने के लिए मैं इसका फ्रंट व्यू बना दूं तो वो ज़्यादा सही रहेगा।
दिस इज द एंटीरियर व्यू और द फ्रंट व्यू ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये जो है ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. अब कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करा लेते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ फाइबर्स जो हैं वो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से निकल के लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जाएंगे, तो ये भी दोनों हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करा रहे हैं. इसी तरह कुछ फाइबर्स जो होंगे वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से अराइज करेंगे और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर आकर एंड होंगे. सो ये फाइबर्स बेसिकली फाइबर्स हैं, फाइबर्स को हम वाइट मैटर कहते हैं. सो वो वाइट मैटर जिसके फाइबर्स की जो डायरेक्शन और मूवमेंट है वो राइट टू लेफ्ट है, यानी वो दो हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करा रहे हैं, उनको हम कहते हैं कमिश्रल फाइबर्स. उनको हम क्या कहते हैं? कमिश्रल फाइबर्स. सो पहले हमने पढ़े ट्रैक्स, वो किस बुनियाद पे थे? अप एंड डाउन मूवमेंट्स की बुनियाद पे. दूसरे हैं कमिश्रल फाइबर्स. कमिश्रल फाइबर्स वो वाइट मैटर है, वो बंडल ऑफ एक्सॉन्स हैं जो कि दो हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं. उनकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है राइट टू लेफ्ट, कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से निकल के लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो राइट और लेफ्ट को कनेक्ट करा दिया, राइट को लेफ्ट से. इसी तरह लेफ्ट से निकल के राइट में आएंगे तो वो लेफ्ट को राइट से कनेक्ट करा देंगे. सो इनकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट राइट टू लेफ्ट है, इनको हम कहते हैं कमिश्रल फाइबर्स. इसी तरह कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो कनेक्ट कराते हैं एंटरोपोस्टीरियरली, यानी एक हेमिस्फीयर के अंदर. ये जो थे ये एक हेमिस्फीयर से निकल के दूसरे हेमिस्फीयर के अंदर जा रहे हैं, जबकि जो अभी मैं फाइबर बताने लगा वो एक ही हेमिस्फीयर. फॉर एग्जांपल ये एक हेमिस्फीयर है, ये अगर आपको व्यू समझ आ जाए कि किस तरह है, कि यहाँ पर ये हम साइड व्यू से देख रहे हैं तो उसका जो इधर वाला पार्ट था, फॉर एग्जांपल ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन से, इस तरफ से, तो आपको कैसे नज़र आ रहा है कि एक पार्ट आपने रिमूव कर दिया, आपको ये साइड से नज़र आ रहा है, ये आपको साइड से नज़र आ रहा है. यूँ आप देख रहे थे जैसा कि आप कैमरे में देख रहे हैं इस डायरेक्शन से, तो ये सेरिब्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम का साइड व्यू था, उसका एक पार्ट रिमूव किया तो ये आपको नज़र आया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है. उसका जो दूसरा पार्ट था, दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर और मिड ब्रेन का जो इधर पार्ट लगा हुआ था आधा, पोन्स का, मेडुला का और स्पाइनल कॉर्ड का, वो आपने काटा हुआ है, तो वो यहाँ था. अब मैं जो कमिश्नल फाइबर्स थे वो इस राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से निकल के लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करा रहे थे. अब जो अभी फाइबर बताने लगा वो एक ही हेमिस्फीयर के अंदर होंगे. फोर सपोज ये मैं अब निकाल लिया, अब ये एक ही हेमिस्फीयर है, ये उसकी एंटीरियर डायरेक्शन, ये उसकी पोस्टीरियर डायरेक्शन. अब वो इसको एंट्रोपोस्टीरियरली कनेक्ट कराएंगे तो वो वाइट फाइबर्स कौन से होते हैं? तो वो क्या कराएंगे कि इसको एंट्रोपोस्टीरियरली, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि दिस इज द साइड व्यू ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये उसकी एंटीरियर साइड है और ये वाली उसकी पोस्टीरियर साइड है. तो उस हेमिस्फीयर को जो वाइट मैटर एंट्रोपोस्टीरियरली कनेक्ट कराएगा, यानी इस डायरेक्शन के अंदर, कुछ फाइबर्स जो हैं वो एंटीरियर साइड से निकल के पोस्टीरियर साइड की तरफ जाएंगे और वहाँ कनेक्ट कराएंगे. इसी तरह कुछ जो हैं वो पोस्टीरियर साइड से निकल के एंटीरियर साइड की तरफ जाएंगे. तो वो वाइट मैटर जो सेंट्रल हेमिस्फीयर को एंट्रोपोस्टीरियरली कनेक्ट करा रहा है, फॉर एग्जांपल फ्रंटल लोब की इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करा रहा है ऑक्सीपिटल लोब की इंफॉर्मेशन के साथ, इसी तरह ऑक्सीपिटल लोब की इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करा रहा है फ्रंटल लोब की इंफॉर्मेशन के साथ एक ही हेमिस्फीयर के अंदर, उनको हम कहते हैं एसोसिएशन फाइबर्स, बिकॉज दे आर एसोसिएटिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम हेमिस्फीयर. इनको हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन फाइबर्स. तो वाइट मैटर को हमने क्लासिफाई किया तीन के अंदर, ट्रैक्स, कमिश्रल फाइबर्स और एसोसिएशन फाइबर्स. ट्रैक्स कौन से होते हैं? वो वाइट मैटर जो कि अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं. कमिश्रल फाइबर कौन से होते हैं? जो दो हेमिस्फीयर्स को आपस में राइट टू लेफ्ट कनेक्ट कराते हैं. एसोसिएशन फाइबर कौन से होते हैं? जो एक ही हेमिस्फीयर के अंदर उस हेमिस्फीयर के मुख्तलिफ पार्ट्स को एंट्रोपोस्टीरियरली कनेक्ट कराते हैं. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ग्रे मैटर और वाइट मैटर पर मुश्तमिल होता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के लिहाज से.
और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ग्रे मैटर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर वो हमने दो में उसको क्लासीफाई किया, एक है हमारे पास ट्रैक्स सॉरी कॉर्टेक्स और दूसरा है न्यूक्लियस। कॉर्टेक्स वो ग्रे मैटर होता है जो कि सरफेस पर एक्सपोज्ड हो, और न्यूक्लियस वो ग्रे मैटर होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एम्बेडेड हो और उसके अराउंड उसको वाइट मैटर ने सराउंड किया होता है, जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में ड्रा करके बताया था। इसके अलावा फिर वाइट मैटर आ जाते हैं कि बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स की जो कलेक्शन है उसको हम वाइट मैटर कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब वाइट मैटर की फिर क्लासिफिकेशन की हमने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फाइबर्स की बुनियाद पे, ट्रैक्स यानी अप एंड डाउन कनेक्ट करवा रहे हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है, कमिशनल फाइबर्स राइट टू लेफ्ट बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एसोसिएशन फाइबर एंट्रो पोस्टीरियरली विद इन द सेम सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब हम आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चरली मुश्तमिल होता है नर्व्स पर और गैंग्लियन पर। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस पर मुश्तमिल होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक है नर्व्स, एक है गैंग्लिया गैंग्लियन। अब नर्व्स और गैंग्लियन क्या होते हैं, बेसिकली बिल्कुल सिंपल है, जो चीज़ अभी तक आप पढ़ चुके हैं अगर वो कंसेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल इसको समझने में कोई मसला नहीं होगा। हमने क्या कहा था कि न्यूरॉन्स सेल बॉडीज और एग्जॉन्स पर मुश्तमिल होता है, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एग्जॉन्स सेल बॉडीज़ की कलेक्शन हो जाए तो उसे हम ग्रे मैटर कहते हैं, वही अगर सेल बॉडीज़ की जो कलेक्शन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर हो जाए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हो जाए तो उसे हम कहते हैं गैंग्लियन। ए कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गैंग्लियन। और उसी तरह जो कलेक्शन ऑफ वाइट कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उसे हमने वाइट मैटर कहा था, इसी तरह जो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स है आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर उसे हम नर्व्स कहते हैं, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स इसे हम क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। तो ये बेसिकली बिल्कुल सिंपल है, इसमें और कोई डिटेल ज़्यादा भी नहीं याद रखनी, हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट स्ट्रक्चरली ऑन नर्व्स एंड गैंग्लियन। जो नर्व्स हैं जैसा कि हमने कहा था कि सेल बॉडीज़ की सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कलेक्शन हो जाए तो उसे हम ग्रे मैटर कहते हैं, इसी तरह अगर सेल बॉडीज़ की कलेक्शन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हो तो उसे हम गैंग्लियन कहते हैं। और इसी तरह जिस तरह हमने कहा था कि सेल एग्जॉन्स की कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हो जाए तो उसे हम वाइट मैटर कहते हैं, इसी तरह अगर एग्जॉन्स की कलेक्शन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हो जाए तो उसे हम नर्व्स कहते हैं। अब आप बता सकते हैं कि नर्व्स और ट्रैक्स के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, कोई अगर आपसे पूछे कि नर्व्स और ट्रैक्स के दरमियान डिफरेंस क्या होता है तो आप बताएंगे कुछ चीज़ें इनमें कॉमन हैं कुछ चीज़ें डिफरेंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैक्स वो भी एग्जॉन्स हैं, नर्व्स जो हैं ये भी एग्जॉन्स हैं, लेकिन हमने कहेंगे कि वाइट मैटर जो है वो कलेक्शन है एग्जॉन्स की सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जो नर्व्स हैं ये कलेक्शन है एग्जॉन्स की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो एक कॉमन चीज़ हो गई, एक डिफरेंट चीज़ हो गई। एक और चीज़ है वो है इनकी माइलिन शीथ की बुनियाद पर, कि हमें पता है कि एग्जॉन्स को जो है वो बालों का माइलिनेटेड होते हैं, जो माइलिन शीथ प्रोवाइड करता है नर्व्स को वो है शिवान सेल्स, और जो माइलिन शीथ प्रोवाइड करते हैं ट्रैक्स को वो हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सो पहला तो दोनों एग्जॉन्स हैं नर्व्स और ट्रैक्स, दूसरा नर्व्स जो है वो आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ट्रैक्स इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इनको जो माइलिन शीथ प्रोवाइड करते हैं वो हैं शिवान सेल्स। अब मैं इस पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ डिजीजेज जो ऐसी हैं वो शिवान सेल्स को डैमेज करती हैं, तो वो क्या करेंगी को वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डीमाइलिनेट करेंगी। इसी तरह कुछ डिजीजेज जो हैं वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को डैमेज करती हैं जो कि ट्रैक्स को माइलिनेशन प्रोवाइड करते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दोज डिजीजेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकम्स डीमाइलिनेटेड डेंड्रोसाइट्स, ये भी एक डिफरेंस है। सो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मुतल्लिक थोड़ी सी डिटेल थी।
अब लास्ट चीज आज के लेक्चर में वो है रेटिकुलर फॉर्मेशन। कि रेटिकुलर फॉर्मेशन का एक बेसिक कंसेप्ट हो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो क्या होती है। रेटिकुलर फॉर्मेशन रेटिकुलर फॉर्मेशन अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन लें तो ग्रे मैटर जो होता है वो सेंटर के अंदर होता है। ये ब्लैक वाला जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये ग्रे मैटर है और ये सेंटर के अंदर होता है। ये ग्रे मैटर सेंटर के अंदर होता है ये वाला, और उसके अराउंड जो ये है जहाँ पर मैं अब टच कर रहा हूँ ब्लू से, ये वाइट मैटर है। वाइट मैटर उसके सराउंडिंग में होता है, सेंटर में ग्रे मैटर और वाइट मैटर उसके अराउंड। लेकिन यहाँ अगर हम ब्रेन के अंदर देखें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर देखें, तो ग्रे मैटर आउटसाइड पर है और जो वाइट मैटर है वो इनसाइड है। डिफरेंस है दोनों जगह। यहाँ ग्रे मैटर सेंटर के अंदर है, यहाँ ग्रे मैटर आउटसाइड पर है, यहाँ वाइट मैटर आउटसाइड पर है, यहाँ वाइट मैटर सेंटर के अंदर है। कैसे कि वाइट मैटर ये इनसे जो फाइबर निकलेंगे ये बेसिकली वही फाइबर ही वाइट मैटर है ना, तो सेंटर के अंदर वाइट मैटर और साइड पे ग्रे मैटर। लेकिन यहाँ सेंटर के अंदर ग्रे मैटर, आउटसाइड वाइट मैटर। अब ये स्पाइनल कॉर्ड से ही ऐसे बिल्कुल एक्सटेंड कर रहे हैं, ग्रे मैटर अपर जा रहा है और वाइट मैटर के अंदर फाइबर्स जा रहे हैं। जैसा कि वाइट मैटर के अंदर सेंसरी फाइबर जो हैं वो अपवर्ड जा रहे हैं, ये अपवर्ड जा रहे हैं सेंसरी फाइबर। इसी तरह कुछ फाइबर्स जो हैं वो ग्रे मैटर से जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, मोटर फाइबर्स हैं, वो फाइबर्स जो हैं वो डाउनवर्ड आ रहे होंगे। वो फाइबर क्या होंगे, डाउनवर्ड आ रहे होंगे। फाइबर क्या है, डाउनवर्ड। तो अब यहां पर क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो ये वाला पोर्शन आता है मेडल्ला, पोन्स और मिड ब्रेन, इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं ब्रेन स्टेम, जिसमें मिड ब्रेन आ जाता है, पोन्स आ जाता है और मेडल्ला आ जाता है, इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम। अब होता क्या है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बैक वक्त कुछ सेंसरी फाइबर्स अपवर्ड जा रहे हैं, कुछ मोटर फाइबर्स डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो इस ब्रेन स्टेम के अंदर क्रॉसिंग होती है, मेजर मेजर क्रॉसिंग होती है फाइबर्स की। के फॉर एग्जांपल जो राइट साइड के फाइबर्स थे वो क्रॉस करके चले जाते हैं लेफ्ट साइड पे, राइट साइड के फाइबर कहाँ चले जाते हैं, लेफ्ट साइड पर। इसी तरह जो लेफ्ट साइड के फाइबर थे वो क्रॉस करके कहाँ चले जाते हैं, राइट साइड पे। इसी तरह जो सेंसरी फाइबर थे, जो राइट साइड के सेंसरी फाइबर थे वो क्रॉस करके कहाँ चले जाते हैं, लेफ्ट साइड पे। वो क्रॉस करके कहाँ चले जाते हैं, लेफ्ट साइड पे। और इसी तरह जो लेफ्ट साइड के सेंसरी फाइबर थे वो क्रॉस करके कहाँ जाते हैं, राइट साइड पे। तो ब्रेन स्टेम के अंदर मेजर मोटर और सेंसरी क्रॉसिंग होती है, कि ऊपर से सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स आ रहे हैं नीचे वो क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे, डीकसेट करेंगे, राइट साइड वाले लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे, लेफ्ट साइड वाले राइट साइड से। इसी तरह जो नीचे से सेंसरी फाइबर आ रहे थे वो भी मेजर ब्रेन स्टेम के अंदर क्रॉसिंग करते हैं, कि राइट साइड वाले लेफ्ट पे चले जाते हैं, लेफ्ट साइड वाले राइट साइड पे चले जाते हैं। तो अब इस क्रॉसिंग की वजह से होता क्या है, क्योंकि यहाँ ये सेंटर में ग्रे मैटर था जो कि एक्सटेंड हो रहा था। अब आपको क्या लगता है कि इन फाइबर्स की क्रॉसिंग की वजह से ये जो बीच में सेंटर में ग्रे मैटर था वो इंटैक्ट रह सकेगा, नहीं। इन फाइबर्स की क्रॉसिंग की वजह से वो जो सेंटर में ग्रे मैटर आ रहा था वो ग्रे मैटर डिवाइड हो जाता है मुख्तलिफ पीसेस के अंदर। तो यहाँ पर
मुख्तलिफ पीसेस बन जाते हैं ग्रे मैटर के, और उनके बीच में से फाइबर्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे क्रॉस कर जाते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉसिंग एंड द ब्रेकिंग ऑफ ग्रे मैटर इनटू स्मॉल पीसेस, आपको ब्रेन स्टेम के अंदर एक ऐसा एरिया मिलेगा, ये ब्रेन स्टेम के अंदर एक ऐसा एरिया मिलेगा, ये जिसके अंदर ग्रे मैटर भी होगा और वाइट मैटर भी होगा, एक ऐसा एरिया होगा जो मिक्स्ड होगा, जिसके अंदर ग्रे और वाइट दोनों मैटर पाए जाएंगे, उस मिक्स्ड एरिया को हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। सो रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है कि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है तो सेंटर के अंदर ग्रे मैटर आ रहा है, उसके साइड पे हमारे पास फाइबर्स एक्सटेंड कर रहे हैं वाइट मैटर है, कुछ सेंसरी फाइबर्स जो है वो अपवर्ड जा रहे हैं, कुछ मोटर फाइबर डाउनवर्ड आ रहे हैं। ब्रेन स्टेम के अंदर इन फाइबर्स की मेजर क्रॉसिंग होती है कि राइट साइड के मोटर फाइबर्स क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे आएंगे, लेफ्ट साइड के मोटर फाइबर क्रॉस करके राइट साइड पे आएंगे, इसी तरह राइट साइड के सेंसरी फाइबर क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे आएंगे, लेफ्ट साइड के सेंसरी फाइबर क्रॉस करके राइट साइड पे आएंगे। तो इन फाइबर्स की क्रॉसिंग की वजह से जो सेंटर के अंदर ग्रे मैटर एक्सटेंड हो रहा था वो ब्रेक हो जाता है मुख्तलिफ पीसेस के अंदर, उन पीसेस के थ्रू जो है फाइबर इधर उधर क्रॉस कर लाते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉसिंग आपको ब्रेन स्टेम के अंदर एक ऐसा एरिया मिलेगा जिसके अंदर ग्रे मैटर भी हो, जिसके अंदर वाइट मैटर भी हो, क्योंकि वाइट मैटर तो है फाइबर क्रॉस कर रहे हैं और जो सेंटर में ग्रे मैटर था वो पीसेस में एक्सटेंड हो गया, तो अब एक ऐसा एरिया है जिसमें ग्रे मैटर के पीसेस भी हैं और वाइट मैटर भी है। सो वो एरिया वो जिसके अंदर वाइट वो जो कि मिक्स्ड है ग्रे और वाइट मैटर से, उसको हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब जब ये ग्रे मैटर ब्रेक डाउन होती है इसकी, तो कुछ ये स्मॉलर पीसेस बनते हैं और कुछ जो हैं वो लार्जर पीसेस बनते हैं। जो स्मॉलर पीसेस हैं वो तो इस एरिया के अंदर होते हैं जिसको हमने रेटिकुलर फॉर्मेशन कहा है। जो लार्जर पीसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये एक लार्ज पीस ग्रे मैटर का था, एक लार्ज पीस ग्रे मैटर का ये था, इन लार्जर पीसेस ऑफ ग्रे मैटर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई। कि जो स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हुए थे वो तो वाइट फाइबर्स के साथ कंबाइन किए और रेटिकुलर फॉर्मेशन बनाई, वो उस एरिया के अंदर हैं स्मॉलर पीसेस, जबकि जो लार्जर पीसेस बने ब्रेन स्टेम के अंदर इस सेंट्रल में जो ग्रे मैटर है इसकी ब्रेक डाउन से, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरो एनाटॉमी, जिसको हमने दो लेक्चर में कवर किया है, कि पहले हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की है, उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की है, अब हम आगे प्रॉपर जो न्यूरो एनाटॉमी है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।